क्योंकि हमारे आधे डिपार्टमेंट को पहले मर्ज करके उनको दे दी, हमारे को 2006 में मर्ज किया, तो आधों को पेंशन मिल रही है, आधों को नहीं मिल रही। क्या सड़कें पहले नहीं थी, क्या और चीजें पहले नहीं थी? पहले भी सभी चीजें ही थी, तो मोदी जी ने कोई अलग से तो विकास कराया नहीं। जो विकास हुआ ये तो जब से देश आजाद हुआ जब से विकास चलता आ रहा है, और देश अगर 2014 में आजाद हुआ ये उनकी सोच होगी, उनका क्या विचार है, वो क्या सोचते, कितने पढ़े लिखे कितने नहीं है, और पूरे वर्ल्ड में पता है कि देश कब आजाद हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक संविधान, तो ये देश के अंदर दो दो संविधान क्यों चल रहे हैं? दो बातें ना करें कि इनको अलग पेंशन मिलेगी, इनके लिए अलग रूल है, इनके लिए अलग रूल है, ये बातें ना करें, ये बातें दिल को ठेस पहुंचाती हैं। हमको और कुछ नहीं, हमें तो ये पता है कि हमारा भविष्य अंधकार में, आगे हम कैसे जीविका चलाएंगे कैसे नहीं चलाएंगे ये हमें पता है। अभी हमें जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे हमारी मुलाकात हुई। सर क्या नाम है आपका? रतनलाल। रतनलाल जी हैं जो कि दिल्ली सरकार के कर्मचारी रहे। कितने वर्ष आपने नौकरी की है? मैंने जो पहले डिपार्टमेंट था हमारा ऊर्जा डिपार्टमेंट, सरकार ने उसे बंद कर दिया 2005 में या 6 में, 5-6 में, हमको 6 में लिया, तो फिर हमको न्यू पेंशन में डाल दिया सरकार ने, क्योंकि 6 के बाद ज्वाइनिंग थी 6 की, तो उससे पहले हम ऊर्जा डिपार्टमेंट का काम थे, दोनों की सर्विस मिला दी है, तो मैंने 30 साल नौकरी किया। हाँ, 30 साल नौकरी किया मैंने। तो अब आप आए हुए हैं आज ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए, तो आपको जो एनपीएस लेके लगातार देश में जो है प्रचारित किया जाता है कि एनपीएस एक बहुत अच्छी योजना है, न्यू पेंशन स्कीम, तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको कितनी राशि मिलती है? मेरे को कुल न्यू पेंशन स्कीम के अंदर 5702 रुपये मिल रहे हैं। 5702 रुपये। हाँ, मिलते हैं। और अगर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आप चले जाएँ तब आपको कितना मिलेगा? अब ये मुझे, मैंने इसका कैलकुलेशन नहीं किया। हाँ, कितना मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि यूनिफाइड, अच्छा ठीक है, अगर 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 ओपीएस लागू हो जाए तो जो है आपकी जो 5702 रुपये की राशि है ये कितनी बढ़ जाएगी? ये मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन हम इस ये प्रदर्शन ना एनपीएस के लिए नहीं, यूपीएस के लिए नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं ओपीएस के लिए कर रहे हैं। हमें ओपीएस में रहते तो कितना आपको मिलता? कम से कम 30 से 35 के बीच में मेरी वो बन रही थी, क्योंकि 59,200 के ऊपर मेरी वो थी प्लस डी और बेसिक मिला के। 2700 रुपये में तो बहुत दिक्कत होती होगी आपको? 2700 रुपये में दिक्कत होती है, मेरे पास एक बच्ची है जो पढ़ती है कॉलेज में, अब मैं उसके लिए कॉलेज का बंदोबस्त करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं खुद दुविधा में पढ़ा हुआ हूँ कि मैं उसको कैसे पढ़ाऊँ। मोदी जी कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओगे जब कोई बेटी पढ़ेगी तभी आगे देश बढ़ेगा, तो जब बेटी को नहीं पढ़ाऊंगा इतने से पैसे में कैसे पढ़ाऊँ उसको, क्या मैं उसको खर्चा दूँ कैसे जाऊँ, तो मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि हमारी पेंशन लागू की जाए, क्योंकि हमारे आधे डिपार्टमेंट को पहले मर्ज करके उनको दे दी, हमारे को 2006 में मर्ज किया, तो आधों को पेंशन मिल रही है आधों को नहीं मिल रही, ये भी गवर्नमेंट का कुछ फंडा। तो सरकार आधे डिपार्टमेंट वाले जो पहले मर्ज हो गए 2004 से पहले उनको पेंशन देती, और जो बाकी रह गए थे उनको मर्ज तो 2004 में ही करना था, लेकिन 2006 में क्या गवर्नमेंट ने तो उससे हमारी हमको एनपीएस में डाल दिया। तो अच्छा, सरकार कहती है कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, इसमें जो है आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है तो उसमें फिर उसका भी लाभ मिल जाएगा आपको। शेयर मार्केट में तो हमें तो शेयर मार्केट का फंडा पता है नहीं, हम कभी गए नहीं शेयर मार्केट की तरफ, हमने तो सिर्फ नौकरी करी है और पैसा जो 10% गवर्नमेंट के अंदर कटाया, 10% गवर्नमेंट ने दिया, बाद में मैं 2023 में रिटायर हो गया था। अच्छा, ये अखबार जो अखबार वाले ये छापते हैं बहुत सारे जो हैं एनपीएस को लेके, कहते हैं कि इससे देश का विकास होगा, इससे सरकार जो है सभी लोगों के लिए जो है एक अच्छी पेंशन स्कीम है, आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देश का विकास क्या पहले नहीं हो रहा था? आज क्या पहले नहीं हो रहा था देश का विकास? क्या सड़कें पहले नहीं थी? क्या और चीज़ें पहले नहीं थी? पहले भी सभी चीज़ें ही थी, तो मोदी जी ने कोई अलग से तो विकास कराया नहीं। जो विकास हुआ ये तो जब से देश आजाद हुआ जब से विकास चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है, आपने सुना है? मंडी से सांसद हैं हिमाचल की कंगना रनौत, ये उनकी देखो उनकी क्या सोच है। हाँ, हमें तो मालूम है, हमको आज़ादी जो मिली है 1947 को मिली है, और देश अगर 2014 में आज़ाद हुआ ये उनकी सोच होगी, उनका क्या विचार है, वो क्या सोचते, कितने पढ़े लिखे कितने नहीं है, तो ये उनके विचार है, लेकिन हमारे तो पूरे सारे पूरे वर्ष में पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में पता है कि देश
कब आजाद हुआ, ये तो सबको पता देश कब आजाद हुआ, बच्चे तो, बच्चों को पता देश कब आजाद हुआ। मतलब कि 30 साल की नौकरी के बाद सिर्फ और सिर्फ जो है मात्र 57 रुपये, 57 से 2 रुपये, वो भी गवर्नमेंट का जो 40% अपने पास रखने के बाद 60% दे दिया गवर्नमेंट ने एनपीएस के थ्रू, बाकी उन्होंने रख लिया उसकी वो जो पेंशन। 60% ही आपको देते हैं? हाँ 60% 40% अपने पास रखा हुआ है। हाँ गवर्नमेंट उसके बाद ये राशि दे रहे हैं आपको, उसकी इम्यूनिटी लेनी पड़ती है गवर्नमेंट जब बोलती है ना इस पैसे की वो लेनी पड़ती है, तो वो गवर्नमेंट ने रख लिया उसकी पेंशन। क्या लगता है जब आप सुनते हैं कि नेताओं के पेंशन, एक बार विधायक एक बार सांसद बनने पे उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, और आपने 30 साल काम किया और फिर इस तरह का जब आपके साथ हो रहा है, तो क्या सोच आती है आपके मन में, क्या विचार आता है? मोदी जब कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक संविधान, तो ये देश के अंदर दो दो संविधान क्यों चल रहे हैं? या तो सबका एक सी हो जाए, सबको बराबर का अधिकार दिया जाए, या फिर ये दो बातें ना करें कि इनको अलग पेंशन मिलेगी या इनके लिए अलग रूल है, इनके लिए अलग रूल है, ये बातें ना करें, ये बातें दिल को ठेस पहुंचाती है। सरकार ओपीएस को लेके दुविधा में क्यों है? आप लोग जो आपस में बात करते हैं तो क्या समझते हैं, सरकार ओपीएस लागू क्यों नहीं करना चाहती है? अब ये फंडा हमको नहीं समझ में आ रहा, पर सरकार क्यों नहीं लागू करना चाहती है, वो अपने किन साथियों को किन लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है? क्योंकि हमको और कुछ नहीं, हमें तो ये पता है कि हमारा भविष्य अंधकार में, आगे हम कैसे जीविका चलाएंगे कैसे नहीं चलाएंगे ये हमें पता है, इसलिए हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी ओपीएस बहाल करें। अगर बहाल नहीं होती है तब आप लोग क्या करेंगे? हमारा क्या? और भी आक्रोश बढ़ेगा। ये तो एनओपी जो हमारा जो संघर्ष समिति है एनओपीएस के थ्रू हम फिर और आक्रोश से चलेंगे और ज़्यादा करेंगे। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ रतनलाल जी हैं जो कि दिल्ली सरकार के कर्मचारी रहे हैं और 30 वर्ष के नौकरी के बाद, जिसमें कि 40% उनके पास पैसा है, उसके बाद इन्हें 5700 रुपये, मात्र 5700 रुपये दिया जाता है, और साफ साफ कैमरे के सामने कह रहे हैं कि एक बेटी है इनकी, उनको उसको पढ़ाना भी है और आगे भी जो है काम करने थे परिवार के, तो 5700 रुपये में 30 साल नौकरी करने के बाद जो है ये कैसे घर चला रही है, इनकी अपनी मुश्किलें हैं। सरकार कहती कि सरकारी खर्चा बढ़ जाएगा ओपीएस को लेके, कि सरकार पे बोझ बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति जब 30 साल नौकरी करता है उसके बाद घर पे बैठता है तो उसे मात्र 5700 रुपये में वो घर कैसे चलाएगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। जबकि एक बार भी कोई नेता जब सांसद बन जाता है विधायक बन जाता है तो फिर वो आजीवन पेंशन लेता है और न जाने कितनी सारी सुविधाएं लेता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है। इस बात को लेकर आज जंतर मंतर पर कर्मचारियों के संगठन ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया। इनका साफ साफ कहना है कि नो एनपीएस नो यूपीएस, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ओपीएस। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।